अ वेरी गुड आफ्टरनून दोस्तों, आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल परेश जैन में स्वागत है। आज के इस ट्रैवल व्लॉग में मैं आपको महाराष्ट्र के उस ऐसी जगह पे ले आया हूँ जिस जगह का नाम द फॉग सिटी कहा जाता है। द फॉग सिटी नाम से काफ़ी लोग तो समझ चुके होंगे कि इस वक्त मैं कहाँ पर हूँ, और जो नहीं समझे उन्हें बता दूँ कि इस वक्त मैं इगतपुरी में मानस लाइफस्टाइल के शिलो बंगलो में स्पोर्ट्स विला जो मैंने बुक किया है मैं वहाँ पर हूँ। यहाँ पे करीब करीब 6 से 7 ऐसे अलग अलग विलाज है, लेकिन मैंने इस बार जो है स्पोर्ट्स विला बुक किया है, जो कि बहुत ही खूबसूरत प्रॉपर्टी है। और यहाँ तक आने की जर्नी भी जो है बहुत ही खूबसूरत थी, रास्ते के सारे खूबसूरत नज़ारों को मैंने कैप्चर किया है और इस वीडियो में डालने की मैंने कोशिश की है। अब मैं आपको सीधा ले चलता हूँ यहाँ पे, जहाँ मैं आज स्टे करने वाला हूँ वो है यहाँ का स्पोर्ट्स विला। और मेरे ठीक सामने इस वक्त ये स्पोर्ट्स विला है जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वक्त, देखिए। और यहाँ पे ऐसे बहुत से अलग अलग विलाज भी है, जैसे कि स्पोर्ट्स विला के ठीक पास में रेड डोर विला है, उसके सामने वेगस विला है। कोशिश करूंगा कि सारे बंगलोज को मैं शूट करके आपको बताऊं। फिलहाल चलते हैं स्पोर्ट्स विला के अंदर। दोस्तों हम करीब करीब आधे घंटे पहले यहाँ पे आ चुके हैं। 1 बजे का यहाँ पे चेकिंग टाइम है और 12:30 बजे में यहाँ पे आ चुके हैं। तो बंगलो अभी जो है वो क्लीन हो रहा है, तो हमसे कहा गया कि कुछ देर के लिए आप टेरिस पे आप वेट कीजिए, उसके बाद में ही हम हमारे रूम्स में चेकिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वक्त मैं टेरिस पे, वो टेरिस का वीडियो भी मैंने शूट किया है, बहुत ही ब्यूटीफुल खूबसूरत नज़ारा है इस वक्त टेरिस का। टेरिस के आसपास के जो जो ब्यूटीफुल जो ग्रीनरी है आसपास की, मेरे ठीक सामने देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ जो है कुछ शीप जो है, भेड़ जो है वो घास चर रही है। कितना खूबसूरत सा नज़ारा है, ऐसे लगता है जैसे स्विट्जरलैंड के किसी लोकेशन पे हम इस वक्त आ चुके हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन है ये, और ऐसे ब्यूटीफुल लोकेशन के ऊपर 2 दिन का मेरा स्टे है। और यहाँ पे ठीक मेरे पीछे जो है स्विमिंग पूल भी है, इन्फिनिटी स्विमिंग पूल है। और ऐसे माहौल में यहाँ स्टे करना, स्विमिंग करना और इस माहौल को एंजॉय करना अपने आप में बहुत ही खूबसूरत एहसास है इस वक्त मेरे लिए। और स्विमिंग पूल के जो पीछे का एरिया भी है, जो सीनिक ब्यूटी है, वो भी बहुत ही खूबसूरत है। मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, देखिए। दोस्तों डाइनिंग एरिया बहुत ही खूबसूरत है, बैठने के लिए यहाँ पे 2 बड़े बड़े सोफा लगे हुए हैं। मेरे पीछे ठीक जो है वो डाइनिंग टेबल भी है, और उसके ठीक पीछे जो है बहुत ही खूबसूरत सा किचन है। सारे इक्विपमेंट, सारी चीज़ें इस वक्त यहाँ पे इन्होंने रिक्वायरमेंट के हिसाब से लगा के रखी हुई है। और इसी एरिया में डाइनिंग रूम के, डाइनिंग जो रूम है यहाँ पे जहाँ बुफे काउंटर लगता है, उसके ठीक पास में 2 बेडरूम भी है, जो कि मैंने आपको शूट करके बताया है। जो पहला बेडरूम है वो फरारी थीम के ऊपर है, और दूसरा जो है वो बॉक्सिंग थीम के ऊपर है। इस
स्पोर्ट्स विला की एक खासियत है कि सारे ही रूम स्पोर्ट्स से इंस्पायर होके बनाए गए हैं और अलग अलग थीम के ऊपर बनाए गए हैं। मैं आपको नीचे भी लेके चलूंगा और वहां पे बंगलो किस थीम पे बनाए हैं वो भी मैं आपको शूट करके दिखाता हूँ। दोस्तों इसी वक्त हमने लंच लिया है और लंच सच कहूँ दोस्तों तो बहुत ही टेस्टी था, एक्सेलेंट था। मैं लंच को, फूड के टेस्ट को 10 out of 10 दूंगा, बिकॉज पनीर टिक्का की सब्जी और वेज कोल्हापुरी, दाल मखनी, राइस, गुलाब जामुन रसगुल्ला, सारी आइटम का जो टेस्ट था बहुत 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 यमी था। मैंने बहुत इंजॉय किया है। और अक्सर जब कभी भी मैं अपने फैमिली के साथ बाहर जाता हूँ तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो फूड की होती है। तो बच्चे जो होते हैं वो फूड को कितना भी अच्छा आप उन्हें खिला दीजिए वो अच्छा नहीं लगा। और सबसे बेस्ट उनके लिए जो होता है पनीर टिक्का मसाला, अगर उनको वो मिल गया तो सब कुछ मिल गया। तो दोस्तों चलिए मैं आपको रिव्यू देता हूँ। मैंने तो मेरा रिव्यू दे दिया है 10 out of 10, टेस्ट बहुत ही माइंड ब्लोइंग था। अब मैं आपको यहाँ जो बैठे मेरे साथ जो मेरे बच्चे और मेरे जो ब्रदर इन लॉ के बच्चे हैं मैं उनसे बात करवाता हूँ, उनसे एक रिव्यू लेके मैं डालूंगा, क्योंकि मैं कितना भी अच्छा कहूँ वो अच्छा तब तक आप लोग भी नहीं मानेंगे जब तक कि बच्चे उसे कुछ अच्छा ना कहे। चलिए मैं मिलाता हूँ आपको मेरे कुछ बच्चों से जो कि इस बारे में फूड का रिव्यू करेंगे। मैंने जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैं कितना भी रिव्यू दूँ फूड के बारे में कोई मायने नहीं रखता जब तक कि बच्चे इस बारे में कुछ कमेंट ना करें। तो इस वक्त मेरे साथ में पक्ष है, पक्ष आपको फूड का रिव्यू देगा। पक्ष, फूड बहुत अच्छा टेस्टी था, पनीर की सब्जी बहुत अच्छी थी और दाल राइस तो बहुत ही अमत है। मैं फूड को 10 में से 7 रेटिंग दूंगा। 10 में से 7? मेरे 10 का रेटिंग दिया है आपका, अच्छा लगा। ओके, पक्ष ने 10 में से 7 का रेटिंग दिया है। मेरे साथ में एक और है जो इस वक्त कैमरे के सामने आने से डर रहा है। सारे मुझे जैसे ही मैंने कैमरा ऑन किया सारे बच्चे भाग रहे, कोई भी कैमरे को फेस नहीं कर रहा है। और मैं अभी इससे मिलाता हूँ, तभी फूड के बारे में रिव्यू करेगा। फूड बहुत अच्छा था एंड आप प्लस ऑनियन सब लोगों के साथ में तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं रेटिंग दूंगा 10। 10 out of 10, तो हित ने भी रेटिंग दी है 10 out of 10। अब मैं आपको दूसरे कुछ बच्चों से मिलाऊंगा, उनका रिव्यू भी आपसे लूंगा। तो इस वक्त मेरे साथ में श्रेया है। श्रेया बोलो, हाउ द फूड? बोलो, मुझे नहीं पता, कैमरा ऑन है, सारे नेचुरल शॉट्स ऐसे आने वाले हैं। बड़े बोलो, पॉइंट्स बोलो, क्या बोलूं? बोला पनीर की सब्जी थोड़ी ब्लैंड थी। बोला पनीर की सब्जी बहुत अच्छी। गाइस मुझे पॉइंट्स तो दो, मैं बोल रही हूं टेस्ट करता है श्रद्धा ही करता हूं। बता दो, इस वक्त सारे लोग मुझे देख के भाग रहे, जैसे मैंने कैमरा बाहर निकाला सभी लोग अपने अपने कॉर्नर्स पकड़ रहे हैं। और मैं जानता हूँ कि इस वक्त मेरे पास में विकास भी है। नहीं,
बंद है मंडा बोलो ये चालू है रिकॉर्डिंग चालू है इस वक्त शाम के 5 बज चुके हैं और सारे बच्चे जो है स्विमिंग पूल में एंजॉय कर रहे हैं। मैं स्विमिंग पूल के बाहर का सीन आपको दिखाता हूँ कि स्विमिंग पूल के सामने कितना ब्यूटीफुल क्लाइमेट है। जैसे कि मैंने आपसे कहा है कि इगतपुरी जो है द फॉक्स सिटी के नाम से भी जाना जाता है और वाकई में जैसा इसका नाम है द फॉक्स सिटी उतना ही खूबसूरत इतना ही ज़बरदस्त यहाँ पे इस वक्त फॉग है। देखिए मैं आपको इस वक्त स्विमिंग पूल के बैक साइड का जो व्यू है वो दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों वाकई में तो इस वक्त यहाँ पे 5 बजे जो धमाल हो रही है, जो मजा आ रहा है वाकई में काबिले तारीफ है। और बहुत ही अच्छा एक साउंड सिस्टम भी इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है जिसको ब्लूटूथ से कनेक्ट करके आप बहुत ही ज्यादा म्यूजिक का एंजॉय कर सकते हो। और यहाँ पे एक प्रोजेक्टर भी दिया है। बहुत ठंडा है यार। हाय गाइस। दोस्तों बहुत ही मज़ा आ रहा है। दिस इज़ इन्फिनिटी पूल और सच को दोस्तों इतना ओपन में टेरेस के ऊपर रूफ टॉप के ऊपर स्विमिंग करने का अलग ही मज़ा है। और यहाँ से छोटा सा ऊपर से झरना भी है, फुहारा भी है, तो एक्सीलेंट इंजॉय करें दोस्तों, बहुत मज़ा आ रहा है। सामने का व्यू इस वक्त का बहुत ही मेसमराइजिंग है। मैं आपको फिर से एक बार यहाँ का व्यू दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों इस वक्त शाम के 6 बजे हैं और टी टाइम हो चुका है। वैसे सुबह का लंच हमने बहुत लेट लिया था, करीब करीब 2 बजे हमने लंच किया था, तो अब इस वक्त की जोरों की भूख लगी है। तो पिछली बार मैंने लोनावला में आपसे कहा था और लोनावला में मैंने स्विमिंग पूल के ऊपर टी और भजिए का आनंद लिया था, तो आज भी कुछ वैसा ही माहौल है। स्विमिंग पूल के ऊपर हम स्विमिंग कर रहे हैं और हमारा जो हाई टी जो है उसमें चाय है, कॉफ़ी है और पकौड़े हैं गर्मा गर्म। तो इस वक्त हम स्विमिंग पूल के ऊपर यहाँ पे उन सारी चीज़ों का एंजॉय कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से जो है फैमिली के सारे मेंबर्स इस वक्त चाय और पकौड़े का मज़ा ले रहे हैं। देखिए दोस्तों इस वक्त रात के ठीक 12 बजे हैं
और सच कहूँ दोस्तों तो आज का दिन बहुत ही खूबसूरत गया है। शाम के वक्त हम लोग एक जगह एक्सप्लोर करने के लिए गए थे और एक बहुत ही खूबसूरत जगह हमने एक्सप्लोर की है, बहुत ही खूबसूरत है, जो कि आज के डे वन के वीडियो में मैं नहीं डाल रहा हूँ, पर कल स्पेशली मैं उस जगह पे जाऊँगा और उस जगह को शूट करके आपको वो जगह बताऊँगा कि कितनी खूबसूरत वो जगह थी, जो कि करीब करीब जिस बंगलो में हम यहाँ पे रुके शिलो बंगलो से करीब करीब 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पे वो जगह मौजूद है। बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है, मैं वहाँ पे जाके आ चुका हूँ, लेकिन बदनसीबी से उस वक्त मेरे पास कैमरा नहीं था तो मैं उसे शूट नहीं कर पाया, लेकिन डे टू के लिए मैंने वो लोकेशन रखा है। आप सबसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि डे टू का वीडियो भी आप जरूर देखें, क्योंकि उसमें मैं आपको यहाँ की एक हिडन प्लेस, बहुत ही खूबसूरत प्लेस, बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पर लेके जाने वाला हूँ। जैसे कि पिछली बार मैं लोनावला के ऊपर आपको टुंगारली डैम के ऊपर लेके गया था, जो कि मैं नहीं समझता हूँ कि सभी लोगों को इस जगह के बारे में पता था, वैसे ही इगतपुरी अगर आप आते हो तो इस जगह पे आप ज़रूर जाइएगा, जिसके बारे में मैं डे टू के वीडियो में सारी जानकारी मैं डालूँगा। हमने अभी अभी चाय पी है, कब से पत्ते खेल रहे थे, गेम्स खेल रहे थे और सभी लोग नीचे बैठे हुए हैं। उसको मैंने शूट नहीं किया है क्योंकि कैमरा ऑन करने से कई बार सभी लोग जो है ओवर कॉन्शियस हो जाते हैं, घबरा से जाते हैं। जैसे कि दोपहर को भी मैंने आपको बताया, जब फूड के रिव्यू के लिए मैंने कैमरा ऑन किया तो सारे बच्चे जो है और बड़े जो है मेरे पीछे से यहाँ वहाँ भागने लगे थे, तो मैं वो नहीं चाहता हूँ कि मैं उनको कॉन्शियस करूँ या उनके इन्जॉयमेंट के अंदर कोई भी किसी भी तरह का कोई इंटरप्ट करूँ मैं उनको। शाम को मैंने स्विमिंग पूल का बैकग्राउंड आपको शूट करके दिखाया था, बैकग्राउंड काफ़ी क्लियर दिख रहा था, लेकिन रात के 12 बजे इस वक्त स्विमिंग पूल के पीछे का बैकग्राउंड पूरा ब्लर हो चुका है। इस वक्त यहाँ पे इतना फॉग है कि आपको दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिखेगा। दोस्तों कैमरा टर्न कर रहा हूँ, रोटेट कर रहा हूँ और आपको एक बार यहाँ का नज़ारा दिखा रहा हूँ, देखिए एक बार। बैकग्राउंड में कुछ भी नहीं दिख रहा है, दूर दूर तक न मेरे लेफ्ट साइड में कुछ दिख रहा है, न फ्रंट साइड में कुछ दिख रहा है, न राइट साइड में कुछ दिख रहा है, सारा नज़ारा जो है वो खूबसूरत फॉग से डिसअपियर हो चुका है। दोस्तों इसीलिए मैं कहता हूँ कि इगतपुरी का अगर दूसरा नाम कुछ है तो वो है द फॉग सिटी। बहुत ही खूबसूरत नज़ारों के साथ मैंने आज का अपना डे वन यहाँ पे समाप्त किया है और मैं इस वीडियो को भी यहाँ पे समाप्त करता हूँ। दोस्तों गुड नाइट, शुभ रात्रि, बहुत बहुत धन्यवाद।